खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां टीचर के बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ाई करता था। बेटी का फोन पिता के पास पहुंचा तो वह तुरंत खरगोन से इंदौर पहुंचे। पिता का कहना है कि बेटा पढ़ने में काफी होशियार था। हालांकि स्टूडेंट की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार अभिनव नगर में किराए के रूम में रहने वाले रितेश पुत्र भारत मंडलोई ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। रितेश के पिता खरगोन में टीचर हैं। पिछले काफी वक्त से वह इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। होलकर साइंस कॉलेज में वह MSc कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर में था। पिता भारत सिंह मंडलोई का कहना है कि बेटी का फोन आया था कि रितेश रूम में है और गेट नहीं खोल रहा है। ये बात सुनते ही वे खरगोन से कार लेकर इंदौर पहुंच गए। इसके पहले उनके परिजन रितेश के रूम पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने रितेश को फंदे पर लटकते देखा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबको फंदे से उतार कर PM के लिए भेजा। पिता ने बताया कि बेटा धार्मिक प्रवृत्ति का था, पढ़ने में वह काफी होशियार था। उसने ये कदम क्यों उठाया ये उन्हें भी नहीं पता। भवरकुआं थाने के ASI जगदीश सोलंकी ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। हालांकि युवक ने सुसाइड क्यों किया है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों से भी इस मामले में पूछताछ की गई है, मगर किसी से कोई विवाद की बात सामने नहीं आई है। मामले की तस्दीक की जा रही है। रितेश मंडलोई का क्या करता था? ये यहाँ पढ़ता था सर, होलकर कॉलेज में पढ़ता है और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है जी। पढ़ने में होशियार था, पढ़ने में समझदार, हर मामले में टैलेंट था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। ये कदम ऐसा क्यों उठाया पता नहीं चला।